हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। कब तक आएगा ओबीसी आरक्षण पर माननीय न्यायालय का फैसला? यह एक ऐसा सवाल है जो मध्य प्रदेश का हर एक बेरोजगार अभ्यर्थी तलाश रहा है। हर एक पढ़ा लिखा नौजवान जो पिछले कई सालों से एक सरकारी नौकरी की तलाश में मेहनत कर रहा है, घर से बाहर रह रहा है, वह इस प्रश्न का जवाब जानना चाहता है। आपको बताएंगे कब तक आ सकता है ओबीसी आरक्षण पर फैसला, साथ ही कोशिश करेंगे जानने की कि 2019 की परीक्षा पहले होगी या 21 की परीक्षा पहले होगी, क्या हो सकता है, कब तक फैसला आ सकता है। आप सभी इस चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए तमाम सोशल मीडिया के हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, क्योंकि आप सभी का साथ हर जगह होना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो बात करते हैं ओबीसी आरक्षण पर माननीय न्यायालय का फैसला कब तक आ सकता है। देखिए, जब भी मैंने पॉडकास्ट बनाया है इस पर मैंने पहले ही आपको कहना चाहिए सूचित कर दिया था कि ओबीसी आरक्षण पर फैसला अगस्त के आखिरी सप्ताह में संभावित है। लगभग कुछ वैसा ही होते हुए दिख रहा है, लेकिन अगर अगस्त के आखिरी सप्ताह में, चूँकि अगली तारीख जो है वो 22 अगस्त है, अब मान लीजिए ओबीसी की जो रिपोर्ट कल प्रस्तुत की गई थी उसको स्वीकार कर लिया जाता है और 22 अगस्त को उस पर बहस होना शुरू होता है, तो निश्चित रूप से कुछ समय जो विपक्ष के वकील हैं वो भी उस रिपोर्ट को अध्ययन करने के लिए मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगस्त के आखिरी में, अगर मान लीजिए माननीय न्यायालय उसी सप्ताह में 2-3 दिन का समय देकर फिर फाइनल हियरिंग रख लें, या फिर अगर 1 सप्ताह का समय फिर दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ये सुनवाई आपकी अगस्त के आखिरी सप्ताह से सितंबर में भी जा सकती है। लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से कल जो घटनाक्रम घटित हुआ, ओबीसी के डेटा को लेकर एक फाइल पेश की गई, माननीय न्यायालय ने 22 तारीख का समय दिया, उसमें भी आपने देखा होगा कि विपक्ष के जो वकील थे उस फाइल को मांग रहे थे, चूँकि माननीय न्यायालय ने फाइल को स्वीकार नहीं किया था इसलिए उनको नहीं दी गई उसकी कॉपी। अब अगली बार जब होगा तो निश्चित रूप से जो दूसरी पार्टी के वकील हैं वो उसको मांगेंगे और उस पर अध्ययन करेंगे, तो वो भी समय की मांग करेंगे। तो कितना समय दिया जाता है ये भी तय नहीं है। तो फिलहाल फाइनल हियरिंग शुरू होने में समय लगेगा। अब बात है कि क्या आरक्षण पर फैसला आ जाएगा। देखिए, आपको बताएं कि जो MPPSC का स्टैंड है इसको लेकर, कि जब तक आरक्षण पर फैसला नहीं आएगा तब तक हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, तो एक तरह से मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि ये डिसीजन कहना चाहिए बच्चों के लिए इसलिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि अगर रिजल्ट जारी होने लग गए तो कहीं ना कहीं आरक्षण पर फैसले को लटकाया जा सकता है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि भर्तियां जिस तरह से उन्होंने रिजल्ट रोक दिए हैं, तो एक तरह से एक ये दबाव का काम करेगा सरकार के ऊपर, और मुझे लगता है कि इस वजह से जो है आपका आरक्षण पर फैसला जल्दी आने की उम्मीद बिल्कुल बनेगी, क्योंकि भर्तियां रोक दी गई हैं। एक तरह से खुला स्टेटमेंट दे दिया गया है कि जब तक हम इस पर माननीय न्यायालय फैसला नहीं दे देते हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। तो ये इनको स्टैंड लेना चाहिए था 2020 में, जब 2019 का मेंस हो रहा था, तो वो स्टैंड उन्होंने इतने साल बाद लिया। तो ये हो गई बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर ऑर्डर है कि इसकी सुनवाई जल्दी करें, तो कहीं ना कहीं एक तरह से वो भी माननीय न्यायालय को देखना होगा। तो ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे, भले ही आरक्षण की सीमा कुछ भी रहे, 14 रहे, 27 रहे, जो भी रहे, लेकिन यहाँ पर चूँकि ये फाइल पेश की गई है तो फाइल पर अब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा समय लगेगा चीज़ों को बहस करने में,
चीज़ों को, तथ्यों को देखने में, समझने में। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगस्त के आखिरी सप्ताह तक आ जाएगा इस पर फैसला, हो सकता है कि जो है इस पर थोड़ा सा एक दो सप्ताह और बढ़ जाए सुनवाई और उसके बाद फैसला आए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये तो थी ओबीसी आरक्षण के संबंध में कि फैसला बिल्कुल आना चाहिए, और इस पर अब जो हमारे अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार छात्र हैं, उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी माननीय न्यायाधीश को, चीफ जस्टिस साहब को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन वो कहीं माननीय न्यायालय की सुनवाई में दिखाई नहीं दिया कि इस तरह से कुछ छात्रों की बात उनके पास पहुंची है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में आए दिन खबरें आती रहती हैं, लेकिन माननीय न्यायालय जो है कहना चाहिए, जिस तरह से डेट पर डेट बढ़ रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय न्यायालय जो है इन सारी चीज़ों को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय के लिए ये भी पक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लाखों की संख्या में बेरोजगार आज अपनी योग्यता के अनुसार एक सरकारी नौकरी के लिए जो है इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं, और ये इंतज़ार लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे न्याय व्यवस्था के प्रति जो भरोसा है, विश्वास है, वो छात्रों का, युवाओं का थोड़ा सा डगमगा रहा है। तो अपेक्षा यही है कि माननीय न्यायालय जल्दी न्याय करेंगे और बेरोजगारों के लिए नौकरी का रास्ता खोलेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि देखिए, जैसे ही आरक्षण पर फैसला आएगा, आगे की गतिविधियां यही हैं कि 2019 की जो परीक्षा है, मुझे लगता है वो पहले करवाई जाएगी। आप ऐसे समझिए कि देखिए, अगर कोई बच्चा जो 2019 में अधिकारी बन जाएगा, तो वो 2020 के लिए खाली छोड़ देगा पद, और जो 2020 में बन जाएगा, वो 2021 के लिए छोड़ देगा। हालांकि भले ही बच्चों ने तीनों परीक्षाएं दी हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, सोचने वाली बात है, कि 2021 की भर्ती पहले हो जाए। भले ही वो मेंस आपका कहना चाहिए पहले करा लें, लेकिन रिजल्ट आपका जो है पहले 19 का ही देना पड़ेगा, यही प्रोटोकॉल कहता है, और यही एक तरीका भी है, क्योंकि 2019 में जो सेलेक्ट हो जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, वो 20-21 वालों के लिए पद छोड़ देगा बाकी छात्रों के लिए। तो ऐसा थोड़ी होगा कि हम उल्टा चलें, 21 पहले कराएं, फिर 20 कराएं, फिर 19 कराएं। तो मुझे लगता है कि आरक्षण पर ही थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति है। जैसे ही फैसला आएगा, 2019 को लेकर सूचना जारी होगी, फिर 20 को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होगी, और फिर 21 को लेकर भी होगी। तो आप सभी ये समझ लीजिए कि जहाँ तक मेरा मानना है, तो आप सभी देखेंगे कि ये सारी चीज़ें, आप जहाँ तक मेरा अनुभव है, इसी प्रकार से होंगी। बाकी आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे देते हैं, 2021 मुख्य परीक्षा के लिए आप प्रिंसर के नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन कक्षाएं, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स की खासियत ये है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ टॉपिक के अनुसार, टॉपिक के नेचर के अनुसार 3, 5 और 11 नंबर कैसे उत्तर इनके लिखना है, ये भी नोट्स में दिखेगा आपको। प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन सब मिलेगा। इसी तरह से प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरह के जो आपके तथ्य हैं, वो आपको मिलेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम में आपके पास कंटेंट नहीं है, क्योंकि आप देखते ही हैं कि किस तरह से लोग बच्चों को, छात्रों को एक तरह से कह सकते हैं भ्रमित कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कंटेंट बेचकर किताबों का, और कहीं ना कहीं लैंग्वेज भी काफ़ी टफ होती है, और छात्र बाद में ठगा महसूस करते हैं खुद को, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलेंगी। आप सैम्पल्स देख सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, नंबर है हमारा 9685705712। साथ ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अपने दोस्तों, मित्रों को, सहपाठियों को ज़रूर बताएं, और आने वाली परीक्षाओं के लिए एलीट स्टडीज इंदौर प्रिंसर की कक्षाएं, नोट्स, टेस्ट सीरीज लेना बिल्कुल ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि सफलता के लिए सफल मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। सफल मार्गदर्शन ही जिंदगी में आपको सफलता दिलाता है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, धन्यवाद।